नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं टर्बाइन ड्रिवन बीएफपी के बारे में। जैसा कि आप इस सिस्टम में देख रहे हैं, ये है टर्बाइन ड्रिवन सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम, और इसमें ये है हमारे पास में टर्बाइन, और ये है बीएफपी जो पंप है, और ये है बूस्टर पंप। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं बीएफपी क्या होता है, बॉयलर फीड पंप क्या होता है। तो हमारे पास में दोस्तों सुपर क्रिटिकल यूनिट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में तीन बीएफपी, जैसे कि सिस्टम आप देख रहे हैं हमारे पास में तीन बीएफपी होते हैं जिसका काम होता है, ये तीन बीएफपी है जिसका काम होता है डायरेक्ट से वाटर लेके बॉयलर में देना, और ये एचपी हीटर इसमें टेम्परेचर गेन का काम करते हैं फीड वाटर में। ठीक है, तो तीन बीएफपी में से हमारे पास में दो यहाँ पर टर्बाइन ड्रिवन बीएफपी है और एक मोटर ड्रिवन बीएफपी है। जो मोटर ड्रिवन बीएफपी है ये हमारा स्टैंड बाई में रखते हैं, और टर्बाइन ड्रिवन बीएफपी को हम हमारी यूनिट में रन करके रखते हैं। और इससे क्या होता है कि अगर हम मोटर ड्रिवन बीएफपी यूज़ करते हैं तो ये हमारे लगभग 17 मेगावाट के लगभग की पावर को कंजप्शन करता है, और ये एक एफिशिएंसी के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, तो टर्बाइन ड्रिवन बीएफपी की हम बात कर रहे हैं कि टर्बाइन ड्रिवन बीएफपी कैसे वर्क करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका सिस्टम कैसे रहता है। तो ये एक टर्बाइन ड्रिवन बीएफपी है, उसका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, और उसमें हमारे पास में क्या है, एक तो ये टर्बाइन है, ठीक है, एक ये बीएफपी पंप है, और यहाँ पे है बूस्टर पंप। तो ये जो हमारे पास में जो मोटर ड्रिवन बीएफपी होता है उसमें जो ड्राइविंग जो है वो होती है मोटर से, और इसमें जो ड्राइविंग है वो हो रही है हमारी टर्बाइन से। तो ये टर्बाइन क्या करता है कि ये टर्बाइन डायरेक्टली एक शाफ्ट से लिंक रहता है जो हमारा पंप है उससे, और ये जितने स्पीड से टर्बाइन रोटेट करेगा उतनी ही स्पीड से ये पंप रोटेट करेगा, और एक डिस्चार्ज पे हमें फीड वाटर का प्रेशर और फ्लो प्रोवाइड करेगा। जो ये टर्बाइन है ये हम किससे चलाते हैं, ये टर्बाइन हम उस स्टीम से चलाते हैं जो या तो हम APRDS से लेते हैं, ऑक्सिलरी PRDS से लेते हैं, या IPT से, या इसमें एक CRH का सिस्टम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जो टर्बाइन ड्रिवन बीएफपी होगा वो टर्बाइन से ड्रिवन होगा, और ये सिस्टम क्या करेगा कि एक जो स्टीम है उसका एक्सट्रैक्शन लेके, या तो आईपी से, जब मशीन हाई लोड पर रहती है तो हम आईपी से एक्सट्रैक्शन लेकर इस टर्बाइन को चलाते हैं ताकि हमारी इफ़िशेंसी मैक्सिमम रहे। ठीक है, तो इसको जब हम शुरू के अंदर इनिशियली जब इसको स्टार्टअप करते हैं तो वो कैसे करते हैं, उस टाइम हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो स्टार्टअप के लिए हमारे पास में सबसे पहले तो हमारे को, क्योंकि ये एक टर्बाइन है तो आपको इसको बारिंग पे रखना पड़ता है। बारिंग गियर पे रखने का मतलब है कि आपको इसको रोटेट करके रखना पड़ता है, एक मिनिमम लगभग इसको 200 RPM की स्पीड से हम बारिंग स्पीड से हम इसका रोटेशन मेंटेन रखते हैं ताकि किसी भी प्रकार की सेगिंग ना हो। ठीक है, तो जब आप इसको बारिंग पर रख रहे हैं तो उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आपका नेक्स्ट स्टेप है इसकी सीलिंग का। ठीक है, तो सीलिंग इसकी जो टर्बाइन है, जैसे मेन टर्बाइन की सीलिंग करते हैं वैसे ही इसकी सीलिंग करेंगे सील स्टीम से, और ये PRDS से इसकी ये जो हेडर आप देख रहे हैं ये PRDS का हेडर है, और इस PRDS के हेडर से हम एक लाइन लेते हैं, सील स्टीम का हेडर लेते हैं, और इसमें जैसा कि मेन टर्बाइन में होता है यहाँ पे ये एक सप्लाई वाल्व है, और ये जो लीफ वाल्व है जो कि यहाँ पर सीलिंग का काम करता है, टर्बाइन की सीलिंग का काम करता है। टर्बाइन की सीलिंग करने से पहले हमें ये सारे ड्रेन खोल देने हैं, केसिंग के जितने भी ड्रेन हैं खोल देने हैं, ताकि अगर लास्ट ट्रिम के टाइम पर किसी वजह से अगर वाटर कंटेंट होगा तो वो बाहर निकल जाएगा। इसके बाद में जो हमारा बटरफ्लाई वाल्व होता है, ये क्या होता है कि जब यहाँ से जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो यहाँ से स्टीम इस पर इंग्रेस करते हैं, और यहाँ पे ये स्टीम एग्जॉस्ट होती है,
तो जो एक्सोसिस्टम है वो हमारे मेन कंडेंसर के अंदर जाती है थ्रू बटरफ्लाई वाल्व। तो यहाँ पे ये है, ये जो वाल्व है इसको बटरफ्लाई वाल्व बोलते हैं, और इस बटरफ्लाई वाल्व को हम बंद रखेंगे जब तक कि हम इसकी सीलिंग कर नहीं देते। और यहाँ पे बटरफ्लाई वाल्व के एक बाईपास का की लाइन रहती है, तो सीलिंग करने से पहले ये लाइन हम खोल देंगे, इससे दोनों तरफ हमें जो वैक्यूम है वो आगे की लाइन के अंदर वैक्यूम मेंटेन होने लगेगा और जो टर्बाइन है वो वैक्यूम से लिंक हो जाएगी। लेकिन बटरफ्लाई वाल्व क्योंकि ये लाइन बहुत छोटी है तो जो मेन जो कंडेंसर है उसका वैक्यूम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसके बाद में ये सीलिंग करेंगे, सीलिंग करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे एक जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के लिए यहाँ के ड्रेन भी खोल के रखेंगे, PRDS की लाइन के ड्रेन खोल के रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो बाईपास वाल्व हैं उनको ओपन करके हम इसकी सीलिंग मेंटेन कर देंगे। ये सीलिंग का जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है इससे हम टर्बाइन की सीलिंग कर देंगे। और इसके बाद में क्या करेंगे कि जो एक जैसे ही हमारी सीलिंग यहाँ मेंटेन हो जाती है, यहाँ पर जो सीलिंग का प्रेशर आ जाएगा, सील स्टीम का प्रेशर आ जाएगा, उसके बाद में जो सील स्टीम का जो एग्जॉस्ट है वो GSC के अंदर जाता है, ग्लैंड सील कूलर में, और ये वाल्व उस बाद में हम ओपन कर देंगे जैसे ही इसका 200 mm CW जैसे ही प्रेशर आ जाता है, तो ये वाल्व ओपन कर देंगे। अब जो नेक्स्ट काम है वो है हमारा जो इस टर्बाइन को जो ड्राइव करेगी तो वो स्टीम कहाँ से आएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास में तीन ऑप्शन है, ठीक है। BFP को कौन ड्राइव कर रहा है, ये पंप है, पंप को ड्राइव कर रहा है टर्बाइन, ठीक है। ये पंप है, इसको टर्बाइन, ये टर्बाइन ड्राइव कर रहा है। लेकिन इस टर्बाइन को ड्राइव करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर स्टीम अवेलेबल होनी चाहिए। और इसके लिए हमारे पास में तीन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वो PRDS का है, दूसरा ऑप्शन है वो हमारे पास में IPT का, और तीसरा CRH का है। CRH को हम कभी भी काम में जनरली नहीं लेते हैं, हम PRDS और जो हमारा IPT है इसी से मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि जो PRDS सिस्टम है वो भी एक जो CRH है उसी से चार्ज रहता है रनिंग यूनिट के अंदर। तो PRDS और CRH का कुल मिला के मतलब एक ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास में तीन हेडर अवेलेबल है, एक तो IPT एक्सट्रैक्शन का हेडर अवेलेबल है, दूसरा PRDS का हेडर अवेलेबल है, और तीसरा जो CRH का हेडर अवेलेबल है। तो जैसे ही आपको अगर इस सिस्टम को लेना है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इनके वेंट खोल देना है, ये IPT के वेंट है, ये CRH के वेंट है। तो ये जैसे ही आप खोल देंगे तो जो लाइन के अंदर जो ऑलरेडी लो टेम्परेचर की जो स्टीम है वो यहाँ से निकल जाएगी, और जो हाई टेम्परेचर जो हमें पैरामीटर यहाँ पर चाहिए कंट्रोल वाल्व पे, वो स्टीम हमें यहाँ अवेलेबल हो जाएगी उस टेम्परेचर की। तो ये जो कंट्रोल वाल्व और ये जो स्टॉप वाल्व है इनको ओपन करने से पहले हम ये ध्यान में रखेंगे कि हमारे परमिसिव है जो इस टर्बाइन पे वो हमें मिल जाने चाहिए। तो इस टर्बाइन और जो पंप है उसके BFP के जो परमिसिव क्या क्या रहेंगे वो ये रहेंगे। सबसे पहले तो आपका जो रिसर्कुलेशन वाल्व है जो इस पंप को जो फीड वाटर है इसको वापस BRFA में डालेगा, ये आपका ओपन होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ओपन कर देना है। जो डिस्चार्ज वाल्व है ये क्लोज होना चाहिए, डिस्चार्ज का बाईपास वाल्व है वो क्लोज होना चाहिए। वार्म अप सिस्टम है ये, अगर इसके टेम्परेचर कम है BFP के तो आपको वार्म अप सिस्टम से, वार्म अप सिस्टम क्या होता है कि कोई दूसरा BFP चल रहा होगा वो इसमें जो एक रेगुलर जो डीएरेटर का डीएरेटर वाटर लेता है उसका जो टेम्परेचर होता है 170 या 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस पंप को दे के रखेगा, ताकि इस पंप की जो केसिंग और इसकी ब्लेड्स है वो ऑलरेडी उसी टेम्परेचर पर मेंटेन होकर रहे जिस टेम्परेचर पर अब इसको आगे वर्क करना है, ठीक है। तो ये हमारी पहले चीज़ होगी रिसर्कुलेशन, फिर डिस्चार्ज का हमने देखा, फिर उसके बाद में वार्म अप का देखा हमने, इसके बाद में देखना है बूस्टर पंप का सेक्शन ओपन होना चाहिए, ठीक है। केसिंग के ड्रेन है वो सारे ओपन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में जो स्टीम का प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होना चाहिए। स्टीम का जो प्रेशर है वो 6 kg या 6 bar से ज़्यादा होना चाहिए, 6 kg/cm² से ज़्यादा होना चाहिए या 6 bar से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद जो टेम्परेचर है
उसको देखेंगे, टेम्परेचर जो है वो हमारा जो इस जो ये प्रेशर है, इस प्रेशर के हिसाब से जो सेचुरेशन टेम्परेचर जो बनता है वाटर का, उस सेचुरेशन से हमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस का टेम्परेचर उसमें रखना है स्टीम का, ठीक है। अब उसके आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ये तो हमारे पास में इतनी साइज जो हमने परमिसिव थे वो हमने अवेलेबल करा दिए। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम इसकी सीलिंग मेंटेन हो चुकी है, आपने सारे वाल्व ओपन कर दिए हैं, अब क्या करेंगे, ये बटरफ्लाई वाल्व ओपन करेंगे। जैसे आप बटरफ्लाई वाल्व ओपन करेंगे तो ये सिस्टम आपका डायरेक्टली कंडेंसर से लिंक हो जाएगा। यहाँ सीलिंग मेंटेन है तो कंडेंसर का जो वैक्यूम है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो काम रहेगा वो रहेगा हमारा गवर्निंग का, कि हमें ये स्टोव वाल्व खोलने हैं और ये कंट्रोल वाल्व कितना खोलना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि कंट्रोल वाल्व खोलना है या स्टोव वाल्व खोलना है, तो उससे पहले हम स्पीड रेफरेंस को जीरो दे देंगे, ठीक है। स्पीड रेफरेंस को जीरो इसलिए देंगे क्योंकि अगर स्पीड रेफरेंस ज़्यादा रहेगा तो ये कंट्रोल वाल्व को ज़्यादा ओपन कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ से जो रिमोट में सिस्टम है या ऑटो में सिस्टम है तो उसको लोकल में ले लेंगे, लोकल में, जिससे कि आप जितनी कमांड दो, जितने RPM की जितनी स्पीड की कमांड दो उतनी ही स्पीड पर ये चलेगा। ये जो स्टोव वाल्व है, स्टोव वाल्व है और ये कंट्रोल वाल्व है, ये ऑपरेट होते हैं गवर्निंग सिस्टम से या गवर्निंग रेक से। और ये पूरा सिस्टम जो गवर्निंग का सिस्टम है वो हमारा एक ऑयल से ऑपरेटेड होता है, जो लूब ऑयल का जो प्रेशर है, लूब ऑयल डिस्चार्ज प्रेशर होता है, उसी से ये ऑपरेट होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमारी गवर्निंग रेक है, इसको हम चार्ज करेंगे ल्यूब ऑयल से। तो जो ल्यूब ऑयल पंप लगे होते हैं हमारे, जो ये जो TDBFP है, टर्बाइन ड्रिवन BFP है, तो इसके टर्बाइन के लिए हमें ल्यूब ऑयल सिस्टम हमारे पास में रहता है, मेन ऑयल टैंक रहता है जिस पर ल्यूब ऑयल पंप लगे रहते हैं। और उस ल्यूब ऑयल पंप का जो डिस्चार्ज है उसी से ये जो हमारी गवर्निंग रेक है उसको जो हम चार्ज करते हैं। तो ये ल्यूब ऑयल पंप का डिस्चार्ज हेडर है, और जैसे ही हम इसको, हमें अगर गवर्निंग रेट को चार्ज करना है तो हम ट्रिप रीसेट करेंगे, ठीक है। और जैसे हम ट्रिप रीसेट करेंगे तो ये सोलेनोइड वाल्व ओपन हो जाएंगे, और उसके बाद में हमें ये रिमोट एनर्जाइजिंग वाल्व है ये ओपन कर देना है। और जैसे इस वाल्व को ओपन करेंगे तो हमारी गवर्निंग रेट है उसमें ट्रिप ऑयल बन जाएगा, ठीक है। और इस ट्रिप ऑयल का काम रहेगा कि इस स्टोव वाल्व को ओपन करना। अब जैसे ट्रिप ऑयल बनता है हम ESU को कमांड देंगे ओपन की, ये हमारे इमरजेंसी स्टोव वाल्व है, स्टोव वाल्व को ओपन की कमांड देंगे तो ये ट्रिप वाल्व इसको ओपन कर देगा। और इसके बाद में यहाँ पर जो कंट्रोल ऑयल बन रहा है, कंट्रोल ऑयल बन रहा है, उसका काम रहेगा कंट्रोल ऑयल का कि हम जितना हमारा स्पीड रेफरेंस रहेगा उसके हिसाब से इसको कंट्रोल वाल्व को ओपन करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 RPM दे के रखते हैं स्पीड में, उसके बाद में जो नेक्स्ट RPM देते हैं वो 1000 RPM देंगे, ठीक है। सबसे पहले 0 RPM देंगे, नेक्स्ट उसके बाद में 0 RPM के बाद में हम 1000 RPM देंगे। यहाँ पर हम कुछ देर रखेंगे ताकि जो टर्बाइन है उसकी सोकिंग हो जाए, जो केसिंग के और उसके जो ब्लेड के टेम्परेचर हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएंगे। और उसके बाद में हम इसको 1500 RPM और फिर उसको 2000 RPM और उसको बाद में 2500 RPM जो इसकी रोलिंग की स्पीड होती है, तो रोलिंग पर लाकर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले 0 RPM, फिर 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500 RPM पे रोलिंग पर लाकर छोड़ देंगे। ये 2500 रोलिंग का वो RPM है जिससे जो हमें डिस्चार्ज मिलेगा वो डिस्चार्ज उतना ही मिलेगा जितना हमारा इसकी रिसर्कुलेशन वाल्व की कैपेसिटी है। तो यहाँ पर जैसे तो ये जो रिसर्कुलेशन वाल्व हमने देखा था, ये जो रिसर्कुलेशन वाल्व अपन ने ओपन किया था, तो जब ये 2500 RPM पे ये रोटेट करेगा तो इसकी जो डिस्चार्ज की कैपेसिटी होगी वो केवल रिसर्कुलेशन की होगी। ये डिस्चार्ज जो हेडर है या बॉयलर की फिटिंग में कोई हेल्प नहीं करेगा, ये सिर्फ डिएरेटर से उठाएगा, ये डिएरेटर से सक्शन करेगा
फिर बूस्टर पंप के थ्रू पंप में आएगा, मेन डीएफटी में आएगा और अगेन रिसर्कुलेशन के थ्रू डीएनएफटी में डालेगा। अब अगर इसको हमें सर्विस में लेना है तो हम क्या करेंगे, इसके आरपीएम और बढ़ाएंगे और ये डिस्चार्ज वाल्व को ओपन कर देंगे। डिस्चार्ज वाल्व को ओपन करने से पहले हमें इसके बाईपास लाइन को ओपन करना है और उसके बाद में डिस्चार्ज वाल्व को ओपन कर देना है और इससे हमें यहाँ पर जितने हम आरपीएम बढ़ाएंगे उस हिसाब से हमें फ्लो और प्रेशर मिल जाएगा डिस्चार्ज। तो ये था हमारा टर्बाइन ड्रिवन डीएफटी क्या होता है और कैसे इसको सर्विस में लेते हैं। इससे जो इसका जो एक तो ल्यूब ऑयल का सिस्टम है और जो एक गवर्निंग का सिस्टम है ये किसी हम डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।